हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। फर्स्ट डिफरेंस है, दोनों का फुल फॉर्म मैंने लिखा है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। सेकंड पॉइंट, रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर रहेगा, तो इसमें स्टोर डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम में स्टोर डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। इसको हम इरेज नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन रैम के स्टोर डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर रहता है, इसमें स्टोर डेटा पावर ऑफ होने पे रिमूव हो जाता है। अगर पावर ऑफ हो जाता है तो जो भी डेटा इसमें स्टोर है ना, वो निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको आपको समझाया था मोबाइल वाले एग्जांपल से, रैम का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, वो आप देखिएगा ठीक से अगर आपको याद ना हो तो। रैम के टॉपिक में मैंने आपको एक मोबाइल के एग्जाम्पल से समझाया था कि मोबाइल में आपने व्हाट्सअप, फेसबुक, गेम बहुत कुछ खोल रखा है पीछे। अगर मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो जो भी आपका खुला हुआ है प्रोग्राम, वो सारा का सारा रैम के अंदर खुला रहता है। आपके मोबाइल में जितना ज़्यादा रैम रहेगा ना, आप उतने प्रोग्राम को साथ में चला सकते हैं। अगर कम रैम रहेगा तो आपका मोबाइल हैंग करेगा, नहीं चलेगा। तो अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और आप फिर से ऑन करते हैं तो क्या होगा? आपने जो पीछे व्हाट्सअप, फेसबुक और जो भी खोल रखा है, गेम वेम, वो सब रहेगा क्या? सारा चला जाएगा, सारा नष्ट हो जाता है। पावर ऑफ होते ही डेटा रिमूव हो जाएगा, आपको फिर से खोलना पड़ेगा। आपको व्हाट्सएप चलाना है, फिर से खोलिए, वो जो खोला था वो नष्ट हो जाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्टोर डेटा पावर ऑफ होने पे रिमूव नहीं होता। इसमें तो हम प्रोग्राम सेट करते हैं ना, जैसे मैंने इसमें रोम में आपको पढ़ाया था, रोम में एक मैंने वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल पढ़ाया था आपको, कि वॉशिंग मशीन में भी प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि अगर आपने स्विच ऑन करने के बाद ये वाला बटन दबाया तो आपका ऐसे चलेगा, इतनी देर के बाद टाइमर में से ऐसे फिर आवाज़ आएगा कि ये करें ये करें, उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। उस वो रिमूव कभी नहीं होता। आप जब भी वॉशिंग मशीन ऑन करेंगे वो वैसे ही काम करेगा जो उसमें सेट किया हुआ है, वो कभी रिमूव नहीं होता। लेकिन रैम के अंदर जो होता है ना, वो पावर ऑफ करने पे रिमूव हो जाता है। रैम के अंदर क्या होता है, जो हम अलग से ऊपर से जो यूज़ कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन, वो सारा रैम के अंदर खुलता है। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर से ये फोर्थ पॉइंट है, पावर ऑफ करते ही डेटा रिमूव हो गया, वोलाटाइल मेमोरी। डेटा रिमूव नहीं होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यही थर्ड पॉइंट के ऊपर से फोर्थ पॉइंट आया था, इसी थर्ड पॉइंट के ऊपर से हमारा ये फिफ्थ पॉइंट भी है। डेटा पावर ऑफ करने पे डेटा रिमूव हो जाता है ना, तो टेम्पररी स्टोरेज, परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता, टेम्पररी स्टोर करके रखा है। ऑफ होने पे उड़ जाता है, सब नष्ट हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं स्टोर किया है, लेकिन ये हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है, परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट है इसका स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टोर डेटा इन MBs, मेगाबाइट में डेटा को स्टोर करता है, और ये गीगाबाइट, GB में डेटा को स्टोर करता है। मतलब ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, ये कम डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ चिप, ये चिप के फॉर्म में होता है, चिप रहता है छोटा छोटा। ये रोम कैसे रहता है, इट इज़ ऑप्टिकल ड्राइवर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, ये मैग्नेटिक टेप्स का बना रहता है, ये चिप का नहीं रहता और ये चिप रहता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट, ये देखिए, रैम चिप आर बिगर इन साइज। ये रैम होता है ना, रैम का चिप ये बड़ा होता है, लेकिन रोम का चिप होता है वो स्मॉलर इन साइज, छोटा होता है। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा रैम और रोम के बीच में जो भी डिफरेंसेस था उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम कंप्लीट होता है। धन्यवाद।